तो दोस्तों ये एक बोल सकते हैं चौराहा है। चौराहा इसलिए क्योंकि ये रास्ता जा रहा है मीना बाजार की तरफ। पीछे हमारा एकोमेंडेशन था। चुपके से सुन, इस पल की धुन, इस पल में जीवन सारा। हेवन ऑन अर्थ कश्मीर में आपका स्वागत है। कश्मीर राज्य अपने माइटी माउंटेन्स और लश ग्रीनरी के लिए जाना जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर में डल लेक एक मोस्ट टूरिस्ट विजिटिंग स्पॉट है। तो आइए चलिए देखते हैं हम डल लेक के अंदर कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट हमें शिकारा राइडिंग के दौरान देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप अगर डल लेक आ रहे हैं तो हाउस बोट में स्टे करना ना भूलें। तो यहाँ से निकल चुके हैं हम। तो डल लेक की यात्रा शुरू होती है और ये शिकारा बोलते हैं इसको यहाँ पर, और यहाँ से अब निकलते हैं। तो सब तो जब हम डल लेक में विजिट करने के लिए निकलते हैं तो फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट गुलफाम झील है, जो कि मैं सामने आपको दिखा रहा हूं। यहां पे और भी कई टूरिस्ट स्पॉट हैं। ये देखिए, देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत नजारा यहाँ हो रखा है। इस लेक के जस्ट सामने खूबसूरत पहाड़ियां हैं और ये देखिए सामने भी सूरज उग रहा है। तो डल झील में जब आप शिकारा से घूमने निकलते हैं तो 3 से 4 घंटे का टाइम जनरली लगता है, क्योंकि डल लेक के अंदर यहाँ के लोकल बोट्समैन शिकारा पर बहुत सारी चीज़ें बेचने के लिए आपके शिकारे के पास आते रहते हैं, जिसमें आपका काफ़ी समय लग जाता है। दोस्तों, डल लेक के अंदर से मेरे अनुसार शॉपिंग रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाईली रेट में आपको लो क्वालिटी की चीज़ें मिलेंगी। डल लेक का एक मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट यहाँ का नेहरू पार्क है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। तो आप अगर डल लेक आ रहे हैं तो शिकारे से नेहरू पार्क को विजिट करना ना भूलें। इसके अलावा आप यहाँ पर लोकल जो मार्केट लगता है वेजिटेबल्स का, वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ का यह फ्लोटिंग मार्केट होता है और इस पर खीरे, टमाटर या जो डेली नीड की चीज़ें होती हैं वो उगाई जाती हैं। तो दोस्तों, आप अगर श्रीनगर आ रहे हैं तो डल लेक को एक बार ज़रूर विज़िट करें। यहाँ के जो माइटी माउंटेन्स हैं, लश ग्रीनरी है, वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। यहाँ की सावधानी यह है कि आप यहाँ पर हाईली रिकमेंडेड है कि आप बार्गेनिंग ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ का लगभग 2 या 3 गुना दाम आपको बताया जाता है, और अगर आप उनसे बार्गेनिंग नहीं करते हैं तो आपका बजट अच्छा खासा हाई चला जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।